गुड मॉर्निंग। देखो भाई, यहाँ पे हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कॉमन आयन का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे एक हमने एग्जांपल लिया कि NH4OH, NH4 प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। अब यहाँ पे हमने इसी सोल्यूशन के अंदर एक साल्ट डाल दिया NH4Cl, तो ये NH4 प्लस और NH4Cl माइनस में टूट गया। अब इसके बाद हम अगर इसके लिए Kb का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, NH4 प्लस और OH माइनस बनेगा अपॉन NH4OH, ओके। अब यहां से अगर हम इसको ऐसे कर दें, KB हम यहां से OH को बाहर ले लेते हैं, OH माइनस, ओके, ये हमारा हो जाएगा KB इंटू NH4OH अपॉन में NH4 प्लस, ठीक है। इतना सबको अंडरस्टूड है, इतनी बात समझ आ रही है। हमने कुछ किया नहीं है अभी, हमने इसके लिए केवी का फॉर्मूला लिखा और यहाँ पे हमने क्या किया, OH को यहाँ बाहर दे दिया है और केवी इंटू NH4OH ऊपर चला गया, NH4 प्लस नीचे आ गया। अब यहाँ पे कॉमन आयन का क्या इफेक्ट है ये देखिए। अब इसमें हम कॉमन आयन क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कॉमन दोनों में कॉमन है NH4 प्लस, दिस इज द कॉमन आयन। अब इस कॉमन आयन का क्या इफेक्ट पड़ेगा हम यहाँ पे देखेंगे। सपोज कि जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया, अमोनियम क्लोराइड उसके अंदर हमने नहीं ऐड किया है, मीन्स ये सेकेंड वाला रिएक्शन हमने अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी हम पहले वाले रिएक्शन पे हैं, उसके लिए केवी का फार्मूला यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है और एक समय आएगी इक्विलिब्रिया आ जाएगी। अब अगर इसी सॉल्यूशन के अंदर हम जो है कि NH4Cl डाल दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे NH4 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, NH4Cl का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे मैथमेटिक्स के हिसाब से देखो, इस रेसिप्रोकल का कंसंट्रेशन बढ़ता जाए, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा, इसकी अगर वैल्यू बढ़ती जा रही है तो इसका डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, इसका डिसोसिएशन रुक जाएगा। जितना हम इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इसका कंसंट्रेशन कम होगा। अगर इसका कंसंट्रेशन कम होगा मतलब ये ब्रेक नहीं कर रहा है, ये ब्रेक नहीं करेगा। एक बार फिर से जान जाओ, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है कि जब भी किसी सॉल्यूशन के अंदर एक जैसे आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, अगर वो रिएक्शन जो है कि वीक एसिड या वीक बेस का है, तो उस कंडीशन में इक्विलिब्रिया उस साइड में चली जाएगी जिधर बड़े हुए कंसंट्रेशन का इफेक्ट कम हो जाएगा। ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल में हम लोगों ने पढ़ा। अब जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है वीक बेस का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने एक्वस में डाला तो ये टूट गया NH4 प्लस और OH माइनस में। अब इसके बाद ये रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक इक्विलिब्रिया नहीं आ जाएगी। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड डाल दिया। अमोनियम क्लोराइड डालने के बाद जब कंसंट्रेशन मेजर किया तो देखा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक नहीं कर रहा है। अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ब्रेकेज क्यों रुक गया, क्यों डिसोसिएशन रुक गया, क्योंकि सोल्यूशन में कॉमन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो यहां पे देखो, अगर इस इक्वेशन के हिसाब से देखें, मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें, तो ये रेसिप्रोकल में है। अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसका कंसंट्रेशन घटेगा, और इसका कंसंट्रेशन तभी घटेगा जब इसका डिसोसिएशन नहीं होगा, ठीक है। दूसरी तरह से देखो, अगर इसका कंसंट्रेशन कम है तो इसका भी कंसंट्रेशन कम होगा, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो इसका भी कंसंट्रेशन
ज्यादा होगा। इसका कंसंट्रेशन कम हो गया मतलब इसका डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। डिसोसिएशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे अमोनियम आयन आ गया और वो अमोनियम आयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर के अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। आई बात समझ में? ये होता है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन के कारण जो है वीक एसिड या वीक बेस का डिसोसिएशन क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, तो ये हमने इफेक्ट देख लिया यहाँ पे बेस के केस में। एक और एग्जांपल हम लेंगे, इसको नोट कर लो फटाफट, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक और एग्जांपल समझाएंगे तो बात समझ में आ जाएगी। नोट कर लिया? हेलो, कोई एक बोलो नोट कर लिया? हाँ सर, हाँ सर, हो गया। ओके, अब देखो हम एक दूसरा, हमने ये तो बेस का एग्जांपल दिया था, वीक बेस था हमारे पास। अब हम कोई एसिड लेते हैं, एसिड का देखते हैं एसिड। अब देखो यहां पे हम ले रहे हैं CH3COOH। यहां पे ये ब्रेक करेगा CH3COO-H+ बनाएगा। तो ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड का ब्रेकेज हुआ तो एसिटेट आयन और H प्लस बना। इसके लिए अगर हम वैल्यू लिखेंगे Ka=, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन एंड ब्लड दिख रहा है हाइड्रोजन आयन। हाँ, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम सर? ब्लड, बोलो बोलो, तुम्हारी आवाज खुद ब्लड आ रहा है सर। ब्लड आ रहा है, नेटवर्क एरिया में आओ। ब्लड आ रहा है सर, हमको क्लियर दिख रहा है सर। रोहित का नेटवर्क नहीं है सर, एकदम सही है सर। इधर तो सारा सबका नेटवर्क सही है। यस, अब ठीक है सर। चलो ठीक है, नेटवर्क में रहो अब ठीक सर। ओके 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 ओके। नेक्स्ट यहाँ पे हम CH3COOH यहाँ पे ले लेते हैं। अब इसमें हम कॉमन आयन का इफेक्ट देखेंगे किस तरह से जो है इसका डिसोसिएशन रुक जाएगा। लीच टेलियर्स प्रिंसिपल को दिमाग में रखना है। लीच टेलियर्स क्या कहता है कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसी एक का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाता है जिधर जाने से बढ़े हुए कंसंट्रेशन का इफेक्ट कम हो जाता है। ठीक है, ये आदर्श बार बार छोड़ के बात क्यों जा रहा है? इसका जो है कि इफेक्ट क्या होता है, अब जैसे कि अगर मान लो हम इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये बनेगा। अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये दोनों बनेंगे। अब यहाँ पे हम इसी सोल्यूशन के अंदर हम डाल देते हैं सोडियम एसिटेट CH3COONA। तो ये ब्रेक करके क्या बनाएगा, CH3COO-Na+। ठीक है, अब इस कॉमन आयन के कारण क्या होगा, ये कॉमन आयन आ गया, यहाँ पे भी CH3COO- है, यहाँ पे CH3COO- है। अब अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसका डिसोसिएशन रुक जाएगा, रिएक्शन वापस इस डायरेक्शन में आना शुरू करेगा और इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि कॉमन आयन के कारण जो है कि कंसंट्रेशन एसिड या बेस का बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसका हमें यूज कहाँ करना होता है, हम ये बताते हैं। जब हम लैब में जाते हैं तो हमें फर्स्ट ग्रुप का साल्ट मिलता है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का साल्ट मिलता है, जैसे कि PbCl2, ये फर्स्ट ग्रुप साल्ट है, फर्स्ट ग्रुप साल्ट। और इसके लिए जो रिएजेंट यूज किया जाता है HCl, क्या है, रिएजेंट। हम इसके लिए रिएजेंट यूज करते हैं HCl।
ये फर्स्ट ग्रुप का साल्ट है, जब हम लोग जब भी लैब में जाएंगे प्रैक्टिकल करने के लिए तो ये हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हम जो है कि हमें जो साल्ट मिला है उसको हमें पता करना है कि वो फर्स्ट ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का है कि थर्ड ग्रुप का है, किस ग्रुप का है। उसको पता करने के लिए हम उस साल्ट को सॉल्यूशन बनाएंगे और सॉल्यूशन बनाने के बाद चेक करेंगे कि प्रेसिपिटेशन अगर कहीं होगा तो हम जान जाएंगे कि ये ग्रुप है वहां। तो अब सपोज करो हमें PbCl2 मिलता है और इसको हम पानी में घोल लेते हैं तो ये मोस्टली घुल जाता है, थोड़ा बहुत रह जाता है, ठीक है, क्योंकि हैवी मेटल साल्ट है ना, तो थोड़ा बहुत रह जाता है मगर घुल जाता है पूरी तरह से। अब इसके बाद जब उसी सोल्यूशन के अंदर हम डाइल्यूट HCl डालते हैं, डाइल्यूट HCl जब हम डालते हैं तो देखते हैं कि नीचे PbCl2 जाके बैठ गया। PbCl2 नीचे जाके क्यों बैठ गया? PbCl2 इसलिए डाल गया, यहाँ पे देखो कॉमन आयन है, कॉमन आयन के कारण यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो गया। प्रेसिपिटेशन के लिए दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी होता है और दूसरा हमारा कॉमन आयन इफेक्ट होता है। इन्हीं दोनों के मदद से हम गिवन साल्ट के बारे में पता कर पाते हैं कि हमें क्या साल्ट दिया गया है और उसके अंदर कौन सा आयन है, ठीक है। तो अब अगर मान लो कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं अब थर्ड ग्रुप का, हमें वहां पे फेरिक हाइड्रोक्साइड मिलता है या फेरिक क्लोराइड मिलता है, लैब में ज्यादातर फेरिक क्लोराइड रखा होता है या फेरस सल्फेट रखा होता है ब्राउन कलर का, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ये तो हमारा ग्रुप थर्ड का हो गया, ठीक है, ग्रुप थर्ड का ये साल्ट है। अब इसके लिए हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो होता है NH4OH प्लस NH4Cl, ठीक है, ये हमारा रिएजेंट होता है। अब यहां पे फिर कॉमन आयन कहां आया, जब ये कॉमन आयन आएगा तो वहां पे प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो हमारा कॉमन आयन का यूज कहां पे है, लैब के अंदर किसी भी गिवन साल्ट को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, किसी भी लैब के अंदर किसी भी साल्ट में किसी भी आयन को अगर हमें डिटेक्ट करना है तो सबसे पहले पता करना होगा गिवन साल्ट क्या है। उसको जानने के लिए हमें फर्स्ट स्टेप में प्रेसिपिटेशन कराना होता है। प्रेसिपिटेशन कराने के लिए दो फैक्टर होते हैं, एक तो कॉमन आयन इफेक्ट सबसे बड़ा फैक्टर होता है, उसके बाद हमारा सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इन दोनों की मदद से हम गिवन साल्ट के बारे में अच्छे से समझ पाते हैं कि हमें एक साल्ट क्या दिया है और हम उसे पहचान पाते हैं। आई बात समझ में, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, बोलो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। एक बार फिर से सारा कॉमन आयन का कंसेप्ट देख लो और इसका हम यूज कहाँ करते हैं इसको भी हमने बताया है, एक बार फिर से सारे लोग सुन लो। पहला कि देखो कॉमन आयन का इफेक्ट क्या होता है, जैसे हमने एग्जांपल दिया एक एसिड है, एसोसिएट होता है तो CH3COOH- और यहाँ पे H+ बनाया। अभी इसका अगर कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे, एसिटिक एसिड का कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये बनेगा और अगर इसका कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये बनेगा। अब इसका कंसेंट्रेशन बढ़ाने के लिए, इस वाले का कंसेंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमने एक साल्ट डाल दिया। साल्ट को जो हम इस सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है CH3COOH का कंसेंट्रेशन बढ़ गया। अब ये कंसंट्रेशन बढ़ा तो ये कहाँ चला गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में, वापस CH3COOH बन गया, CH3COOH बन गया। हम उसका कंसंट्रेशन मेजर करेंगे तो हमें वहां एसिटिक एसिड का सारा टेस्ट आएगा। इसका मतलब कॉमन आयन के कारण डिसोसिएशन जो है रुक जाता है, डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस या आयनाइजेशन ऑफ एसिड बेस का होता है, रुक जाता है, ठीक है। और इसका हम यूज मोस्टली जो है साल्ट एनालिसिस में करते हैं।
इसमें करते हैं साल्ट एनालिसिस में। जब हमें ये पता लगाना होता है कि हमें गिवन साल्ट किस ग्रुप का है, तो हर ग्रुप का अपना एक रिएजेंट होता है, उस रिएजेंट की मदद से हम पता करते हैं, ठीक है, ओके। तो हमने जैसे दो ग्रुप का यहाँ पे एग्जांपल लिया है, एक तुम्हारा फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का साल्ट जो है वो PbCl2 है और उसका रिएजेंट डाइल्यूट HCl है। इसके अंदर और भी साल्ट हो सकते हैं, तो अगर हम इसके अंदर हम इसका सोल्यूशन बना दें, वाटर के अंदर घोल दें, तो घोलने के बाद अगर हम उसके अंदर HCl डालेंगे तो हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद वहां लेड क्लोराइड बन के नीचे बैठ जाता है, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और ये प्रेसिपिटेट क्यों बना? कॉमन आयन के कारण और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के कारण। यहाँ पे कॉमन आयन क्या है? क्लोराइड आयन है, उस क्लोराइड आयन के कारण प्रेसिपिटेशन हो गया। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे फेरिक क्लोराइड का लेते हैं थर्ड ग्रुप के साल्ट के रूप में, तो यहाँ पे हमें रिएजेंट यूज करना पड़ता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड जब हम यूज करते हैं तो थर्ड ग्रुप के साल्ट का प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो इस तरह से हम जो है कॉमन आयन इफेक्ट का यूज साल्ट एनालिसिस में लैब में करते हैं, और साल्ट एनालिसिस जिस केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं उसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। आ गई बात समझ में? अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल के द्वारा इसको देखेंगे, न्यूमेरिकल के थ्रू इसको हम समझेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो, ग्रुप रिएजेंट वगैरह हम बाद में फिर सारा लिखवा देंगे। हमने एग्जाम्पल यहाँ पे बस लिया है, ये एग्जाम्पल है, चलो इरेज कर देते हैं। ये हो गया इरेज। यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में कैसे क्या पूछा गया है वो जानेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.10 अमोनिया सोल्यूशन पुलिस ऑफ कैलकुलेट। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ बेटा कर रहे सर। क्या क्या रिपीट करें सर? स्क्रीन क्लियर हो गया? रहने दीजिए सर, स्क्रीन क्लियर हो। अच्छा, हम रिपीट करेंगे, अभी रिपीट करेंगे। कैलकुलेट द पीएच आफ्टर 500 ml, अरे 550 ml ऑफ दिस सोल्यूशन is treated with 25 ml of 0.1 MHCl. The dissociation constant Dissociation constant of ammonia ammonia Kb is equal to 1.77 10 to power minus 5
ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन में कहा गया है, पहले तो कहा गया कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.10 एम अमोनिया सॉल्यूशन। अमोनिया सॉल्यूशन का पीएच निकालना है, ठीक है, और कैलकुलेट द पीएच आफ्टर 50 एमएल ऑफ दिस सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद ट्वेंटी फाइव एम एल ऑफ 0.1 एम एच सी एल डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ अमोनिया दिया हुआ है यहाँ पे 1.55 × 10⁻¹¹। ओके, मीटिंग अगर एंड होती है तो एक बार थोड़ी देर के लिए फिर से जुड़ जाना, ये पता नहीं क्यों मीटिंग पहले ही आ जाए, कोई बात नहीं अभी आगे करते रहते हैं। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, इसके लिए पहले हम रिएक्शन लिखेंगे और क्या क्या गिवेन है, क्या दिया हुआ है, उसको जैसे हम लगाते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पे इसको हम लगाएंगे, ठीक है, तो हमें पीएच वगैरह मालूम हो जाएगा। हमारे पास रिएक्शन क्या है, अमोनिया का हम रिएक्शन करा रहे हैं, इसके साथ यहाँ वाटर मॉलिक्यूल है, पहले केस में NH4 प्लस OH माइनस, ठीक है, NH4 प्लस एंड OH माइनस, तो यहां से हमारा जो है कि KB बराबर क्या हो जाएगा, KB इक्वल टू हो जाएगा NH4 प्लस, ओके, एंड OH माइनस अपॉन NH3, और ये वैल्यू दी है 1.77 × 10⁻¹¹। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पे केवी की वैल्यू आ गई, इसको नोट कर लो फटाफट बहुत जल्दी फास्ट। ऊपर हम इरेज करते हैं, तो बिफोर न्यूट्रलाइजेशन एसिड मिलाने से पहले, बिफोर न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन से पहले क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन से पहले अगर हम देखें यहां पे, तो हमारा जो रिएक्शन लिखा है उस हिसाब से ये हमारा जो कंसेंट्रेशन इसका दिया हुआ 0. कितना दिया हुआ है, 1, ठीक है। तो अगर हम ये मान लेंगे कि हमारा अमोनिया यहाँ पे NH3 का कंसेंट्रेशन जैसे हम लोग लिखते आते हैं 0.10⁻¹, और यहाँ पे NH4 का कंसेंट्रेशन यहाँ पे x, और यहाँ पे कंसेंट्रेशन OH- का हो जाएगा, OH- का कंसेंट्रेशन हो जाएगा यहाँ पे x, ठीक है। अब इसके बाद हम, हमें k की वैल्यू पता है तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, k की वैल्यू अगर पता है हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा kb इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन में 0.10⁻¹, ठीक है। स्टूडेंट तब हमने इस न्यूमेरिकल में हमने पहले pH निकाल लिया और हमारा pH आया था 11.12। ये हमने pH कब निकाला है, ये pH हमने तब निकाला है जबकि हमने उसके अंदर HCl नहीं मिलाया, ठीक है। अब हमें pH वो निकालना है जब हमने HCl मिला दिया है, ठीक है। क्वेश्चन अगर ध्यान होगा तो क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, क्वेश्चन हमने ये देखा था कि अमोनिया जो है कि सॉल्यूशन में है 0.05, ठीक है, और 50 ml है, ठीक है। अब हमें क्या है कि हमने pH वो निकाल लिया जब केवल इसमें अमोनिया है, यहाँ पे केवल अमोनिया है, ये बेसिक सॉल्यूशन को बता रहा है,
लेकिन अब हमें पीएच निकालना है, जबकि उसके अंदर 25 ml, 0.1 MSCl ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हमें क्या करना है, तो हम ये लिख लेते हैं, ऑन एडिशन ऑफ 50 ml ml 0.1 MSCl resulting solution become solution become 75 ml 75 ml 50 ml ऐड करने के बाद अब ये 75 ml हो गए। और दूसरी चीज कि 2.5 mmol NH3 is neutralized by 2.5 mmol NH3 is neutralized by 2.5 mmol of HCl. So remaining amount of ammonia in solution will be how much? 5 minus 2.5 50 into 0.5 is equal to 5 millimol equal to 2.5 millimol. अब ये हमारे पास अनरिएक्टेड अमोनिया बची है, हमारे पास क्या बची है, अनरिएक्टेड अमोनिया। अब इस अनरिएक्टेड अमोनिया को ये से हमें पीएच का पता लगाना है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर After neutralization, there is 2.5 mmol. of NH3 and 2.5 millimol of mole of ammonium ion, ठीक है। इक्विलिब्रियम के बाद हमने एसिड ऐड किया था, ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि इसमें से इतना अमोनिया बच गया, अनन्यूट्रलाइज्ड अमोनिया बची। तो रिएक्शन में अमोनियम आयन भी बना हुआ था। तो ऐसे कंडीशन में इतना अमोनियम आयन भी बचा और इतना NH3 भी बचा,
इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं, अभी ये सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें इसको जो है कि कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम इसको इरेज करते हैं, इरेज करें, ओके। इरेज कर दिया हमने, अब इसके बाद इक्वेशन क्या लिखेंगे, NH3 प्लस HCl, यहां पे क्या बना, NH4 प्लस एंड Cl माइनस। अब इनिशियल में ये 2.5 और ये 0.0 है, ठीक है, ये क्या है 0.0। अब अगर न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो एट न्यूट्रलाइजेशन में क्या हो गया, ये तो न्यूट्रल हो गया, जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, सॉल्यूशन में क्या बचा 2.5 मिलीमोल एंड 2.5 मिलीमोल, ठीक है। ये यहां पे हमने कुछ नहीं किया, बस जो न्यूमेरिकल में दिया हुआ था उसको हमने लिख लिया, ठीक है, आई बात समझे, इतने तक कोई प्रॉब्लम है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद हमें पीएच निकालना है, तो हम कंसंट्रेशन पे आएंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, अब रिजल्टिंग सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं, रिजल्टिंग सॉल्यूशन के अंदर क्या है इसको हम देख लेते हैं। दस द रिजल्टिंग रिजल्टिंग सॉल्यूशन सॉल्यूशन ये है 75 ml, contains 2.5 millimole अमोनियम आयन, इसको हम मोलैरिटी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.033 m हो जाएगा, एंड 2.5 मिलीमोल अनन्यूट्रलाइज, ये भी हो जाएगा 0.033 m, ओके। इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, तो यहां से हो जाएगा 2.5 अपॉन में 75, ओके, तो यहां से कितना आ जाएगा 0.033, ओके, मिलीमोल ये भी है, अब मिलीमोल मिली एमएल ये भी है, तो एमएल एमएल कट जाएगा, तो इतना मोलरिटी आ जाएगी, ठीक है, वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन के इतना के अंदर इतनी चीज है, अभी हमने कुछ स्पेशल काम कैलकुलेशन नहीं किया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसमें जो अमोनिया है कैसे एग्जिस्ट कर रही है, अब इसको इरेज कर दें, नहीं, इन दिस सॉल्यूशन NH3 सॉल्यूशन NH3 एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, ओके, कैसे NH4
OH एंड यहाँ पे NH4 प्लस एंड OH माइनस, ओके। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, 0.033 माइनस वाई, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, बहुत लंबा न्यूमेरिकल है, 5 मार्क्स में ये न्यूमेरिकल है। और अभी स्टेप को एक बार हम फिर से रिवाइज कर देंगे, बहुत जरा जल्दी करिए, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो इसका अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया है, हमें इसका अमाउंट नहीं मालूम है, इसका अमाउंट इतना ये सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, इतना ये सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, मगर ये कितना है ये नहीं पता है। हमें पीएच निकालने के लिए हमें ओएच की जरूरत पड़ेगी, तो यहां से ओएच आयन कंसंट्रेशन माइनस क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहां पे हम ले लेंगे केबी इज इक्वल टू NH4 प्लस OH माइनस एंड NH4 OH, ओके। इसको इरेज कर देते हैं। यहां पे 0.003 माइनस वाई, ये कंसंट्रेशन है NH4OH का, ओके। तो हम इसको नियर अबाउट, ये वैल्यू बहुत छोटी है तो 0.033 के बराबर ले लेते हैं। और यहां पे अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन जो है ऑलरेडी ये यहां पे 0.033 m है, ठीक है। तो यहां से अगर हम OH निकालेंगे थोड़ा इजी हो जाएगा, बहुत लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ये हो जाएगा KB NH4 OH NH4 OH अपॉन में NH4 प्लस, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ये हो जाएगा 1.77 इंटू 0.033 अपॉन में 0.033, ये कट गया, छूट गया एक चीज, इंटू 10^-5 भी है इसके साथ, तो इसका कंसंट्रेशन हो गया 1.77 इंटू 10^-5 m, ये इसका कंसंट्रेशन आ गया, ठीक है। OH का कंसंट्रेशन हमें पता लग गया, ठीक है। अभी इसको हम एक बार पूरा डिटेलिंग कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम यहाँ पे H प्लस कंसंट्रेशन निकालेंगे, तो हम लोग KW इक्वल टू जानते हैं H प्लस और OH माइनस, ओके। तो यहां से हमारा H प्लस कंसेंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KW अपॉन OH माइनस, तो ये हो जाएगा 10^-14 अपॉन 1.77 इंटू 10^-5। तो इसका आप कैलकुलेशन करके देखिए कितना आता है, जल्दी देखिए, कितना आया, जीरो पॉइंट 5.6 इंटू 10^-9, गुड। तो ये कंसंट्रेशन हमें पता लग गया। अब यहां से पीएच निकाल लेंगे, माइनस लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा हमारा माइनस लॉग
0.56 इंटू 10^-9। अब तक तो हम लोग लॉग निकालना जान चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इसको अब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 9.46 आने दें, 46। ये हमारा पीएच आ गया। अब हमने एसिड डाला तो क्या हुआ, पीएच कम हो गया, मगर फिर भी सोल्यूशन क्या है, बेसिक है। सोल्यूशन फिर भी क्या है, बेसिक है। आई बात समझे? तो ये इस तरह से हमने इसमें सारा न्यूमेरिकल देख लिया, दो चार न्यूमेरिकल अभी कल देखेंगे। तो ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।